आप सबको बहुत प्यार भरा नमस्कार है। ये भादुआ की चौथ है, ये बबूला चौथ की कहानी है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव की गाय चरा कर घर का खर्च चलाता। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती। वे भादुड़ी चौथ को चूरमा के 5 लड्डू बनाती। इसमें से 1 चौथ माता के चढ़ाती, 1 गणेश जी के चढ़ाती। एक हाथ का बाना निकाल कर दान करती। एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती। एक बार पड़ोसन वाली ने भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बना बना कर खाती है और तुझे केवल 1 ही लड्डू देती है। लड़का ये सुनकर भड़क गया कि माँ तू चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ 1 लड्डू देती है, बाकी ठंडी रोटी खिलाती है। उसने माँ से कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती हैं, इसलिए तुम चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा कि बेटा, मैं चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ। मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश ही जा रहा है तो ये चौथ माता का आखा अपने साथ रख ले। यदि तेरे पर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उसे आंखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई, उसे पर जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसे माँ की बात याद आई और उसने आंखें निकाल कर चौथ माता का नाम लेकर पूर दिया। तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ फट गया, रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा। तो वे रास्ता भटक गया, उसने वहां भी आंखें पूर कर कही, चौथ माता सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वे एक गांव में पहुंचा। उसे गांव के राजा ने यह रोज का बर्तनों का एक हाव पकता जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती। वे लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया रो रही है। लड़के ने बुढ़िया से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल राज उसको बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला, माँ घबरा मत, तेरे बेटे के बदले तू मुझे भेज देना। तू मुझे भर पेट भोजन करा दे। भोजन करने के बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसके जाकर हाव में चुनने लगे तो वे आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, तू
मेरा संकट टालना हाव, चुन कर आगे लगा दी गई, महीने भर में पकने वाला हाव एक ही दिन में पक गया। ये जानकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा खुद देखने आया और नौकरों को हाव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। आवाज सुन कर सभी आश्चर्य में पड़ गए। बर्तन हटा कर उसे निकाला और पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने हाव में चुन दिया था। राजा ने पूछा, तुम बचे कैसे? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मुझे चौथ माता ने ही बचाया है। तब राजा ने दो घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठे और दूसरे पर एक लड़के को बिठाया। उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिया और कहा, यदि ये जंजीर खुल कर मेरे हाथ पैरों में आ जाएंगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक रक्षा की है तो इस बार भी रक्षा करें। देखते ही उसकी जंजीर खुल कर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और बहुत धन माल देकर विदा कर दिया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। ये सुनकर वे खुशी से नाच उठी। बेटा उसके पैरों में गिर पड़ा। बेटे ने कहा, माँ ये सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारे नगर में ढंडेरों पिटवा दियो कि सभी चौथ माता का व्रत वे पूजन करें। राजा ने भी कहला दिया कि सब चौथ माता का व्रत करें, हो सके तो 12 महीने की, नहीं तो 4 चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो चौथ माता की जय।